जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए। अद्दे यार, मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ क्या? ये तरीका क्या था? क्या बोलेंगे सब लोग तुमको देखेंगे? थक गए हो क्या? जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। सो एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वृंदावन से। मैं आई हूँ मथुरा। हम लोग आए हैं मथुरा और वृंदावन दर्शन करने, और फिर इसके बाद जाएंगे आगरा। तो अभी हम लोग मतलब थोड़ी देर पहले ही आए थे होटल में, रेडी हुए, नहा वहा लिए, मैं रेडी हो गई, और अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है वृंदावन के लिए, और हम लोग अभी मतलब 1:30 बज रही है। तो इतना लेट क्यों हो गए वो भी मैं आपको आगे एंड वीडियो में बताऊंगी। सो फिलहाल तो हम लोग चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए, हमने कुछ खाया भी नहीं अभी, तो फटाफट से चलते हैं। और आगे मैं भी आपको वीडियो में ब्लॉग में दिखाती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? चलो आओ इधर। आ गए फोटिंग के लिए, क्योंकि सारे मंदिर बंद है। हद है यार, मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ क्या? ये तरीका क्या था? क्या बोलेंगे सब लोग तुमको देखेंगे? तो इतना पानी डाल दिया, इतनी आज तो ऐसी ऐसी हिट हो रही ना, मेरी चप्पल भी टूट गई, बिना चप्पल के घूम रही हूँ। और सारे मंदिर बंद है, अभी एक भी मंदिर दर्शन नहीं किया, तो सबसे पहले सोचा चलो बोटिंग ही कर लेता है। तो आ गए बोटिंग के लिए। मजा आ रहा है, धूप कितनी तेज है रे, बाप रे। कौन बोल रहा था कि कितने पानी आ रहा है, ये वो, यहाँ देख लो कोई पानी आ रहा ना कुछ आ रहा, गर्मी गर्मी क्यों? मौसम का चांदू, ये कैसा फोटो खींचा है ना? अब दिल पे काबू है मित्रवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हम सिर्फ दो लोग आए बोटिंग के लिए। सारा हम जो सुबह से इतना इरिटेशन का हो रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें जो हुई है मैंने अभी बताई नहीं, तो अब अच्छी, अब सब अच्छा हो गया, यहाँ पे आके मूड ठीक हो गया। है एवरीवन, अभी हम लोग हैं रंगनाथ मंदिर में। अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। और इसके पहले हम लोग जाके आए, कौन सा, क्या नाम था, नंदवन, क्या नाम था, नंदवन, निधिवन, हाँ सॉरी निधिवन मंदिर में। और बाकी बिहारी तो हमने गलती से मिस कर दिया, क्योंकि हम मतलब मैप के चक्कर में इधर उधर देखने लगे मंदिर को। और बाकी मंदिर अभी थोड़ा खुलने में टाइम है, तो और अभी शाम में जाएंगे, जैसे प्रेम मंदिर हो गया, और उसके सामने एक और मंदिर है वो वाला, और ऐसे करके 3-4 मंदिर और है जो मतलब मेन मेन है। वैसे तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर है, पर जो मेन मेन है ना, हम वो सारे आज कवर कर लेंगे। रात तक का वैसे टाइम है, आराम से कवर कर लेंगे सारे मंदिर। यहाँ पर इतने सारे बंदर है ना, इतना परेशान करते हैं, मतलब आपके हाथ में चश्मा मोबाइल या आपका पर्स हो वो लेके भाग जाएंगे, और आपको वापस नहीं मिलने वाला है, कंफर्म है। फ़ोन हो आपका भले कितना महंगा, वो भी वापस नहीं मिलने वाला है। क्यों, सही बोला ना? थक गए हो क्या? क्या बात कर रहे हैं यार, अभी तो 2-3 मंदिर देखे, हमें चला ही इतना दिया, मंदिर तो 2-3 देखे, चल ज़्यादा लिए। होटल में भी बहुत नाटक हो गया, ये सब तो चलो मैं बाद में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, इसलिए तो हमारा सुबह से इतना टाइम वेस्ट हो गया। मतलब कि हम पहुंच गए थे फिक्स 9 बजे, हम लोग पहुंच गए थे आगरा, आगरा से मथुरा आने में 1 घंटा लगा 10 बजे, उसके बाद से हमको होटल ढूंढने में 2 घंटे हो गए हैं। बट ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वी आर इंजॉय। गर्मी तो है, गर्मी बहुत है, जबकि अगस्त है, आज के तक 13 अगस्त है, उसके बाद में भी इतनी गर्मी है यहाँ पे कि बस पूछो मत। देख ही सकते हो, ऐसे पीछे पहले भी देखा होगा आपने, कितना पसीना आ रहा है मुझे, तुम्हें मुझे बताया भी नहीं, मेरा लाइनर इतना फैल गया। अब ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के मंदिरों में भीड़, मतलब इतना ज़्यादा रश ना, मुझे लगता है कि लाखों में पब्लिक आ गई है एक साथ, मतलब है ना, इंसान को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। क्योंकि ऑब्वियसली 15 अगस्त था, और इसके अलावा जन्माष्टमी भी आने वाली है, सो इतनी भीड़ मिलने वाली है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऐसे कुछ यहाँ पर भीड़ भीड़ भीड़। पर पता है प्रेम मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब अगर इसे ज़्यादा भीड़ ना हो और आराम से बैठ के देखना हो ना, तो बहुत सुंदर है, मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा प्रेम मंदिर।
यहाँ बहुत 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 भीड़ है, यहाँ इतनी भीड़ है कि इंसान दर्शन करना तो दूर की बात है, खुद ढंग से रह रहे ही बड़ी बात है। हेलो अगेन, आज बहुत ही एग्जॉस्टिंग डे था, मतलब है ना घूमने आए थे पर बहुत इतना मतलब है ना, मतलब जन्माष्टमी आने वाली है ना तो इस हमें मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब टिकट की थी और मुझे ध्यान भी नहीं दिया मैंने कि जन्माष्टमी आने वाली है तो इस टाइम पे ना आया जाए। मतलब इतना ज़्यादा रश है ना यहाँ पे कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बिलीव तो क्या, मैंने भी आपको पिछले पीछे वीडियो की क्लिपिंग्स में दिखाया ही है, इतना रश है। मतलब आज सुबह से सारी हिट हो रही है, होटल की बुकिंग में हिट हुई कि होटल का जो बुक की थी ना उसने मतलब होटल वाले ने ये ओयो के थ्रू की थी तो उसने बंद कर दी थी होटल वाले ने बुकिंग और ओयो ने कर दी तो वो हिट हुई। इतना दूर मतलब वहाँ होटल के लिए गए और फिर वापस इधर आके दूसरी होटल ढूंढना, और यहाँ पे सब कुछ फुल बुकिंग चल रहा है, मतलब इतना मुश्किल हो रहा है ना होटल मिलना भी, मतलब मेन रोड पे चाहे दूर कहीं पे भी अवेलेबल ही नहीं हो रही है। तो इतनी मुश्किल हुई, फिर मेरी चप्पल टूट गई, फिर उसके बाद में अभी अभी फिर अभी इनके भी मतलब है ना प्रेम मंदिर में इनके भी इतने रश है, मैंने दिखाया था ना इनके शूज भी घूम गए और ऊपर से इतना मतलब थक गए। और ना यहाँ पे कोई ऑटो वाला कुछ ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं करता, मतलब जैसे वैष्णो देवी में ज़्यादा पैसे लेते हैं पर कम से कम प्रॉपर छोड़ तो देते हैं, यहाँ पे तो सुनते भी नहीं है, ना कोई प्रॉपर छोड़ने वाला मिलता है ना कुछ भी, कुछ भी नहीं। इतना मतलब पैदल ही चलना पड़ा, अगर मतलब ऐसा है कि कोई खुद के से व्हीकल से ना आए ना तो बड़ा, ट्रेन से आना तो मुझे तो सही नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतने सारे मंदिर हैं और फिर बार बार मंदिर मंदिर में ऐसे जाना ऑटो से पैदल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो खुद का व्हीकल ही सही है पे तो। और ऐसे अगर किसी को रश में आना है तो ठीक है, अदरवाइज जन्माष्टमी और ये अभी 15 अगस्त और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आना। मतलब हमने ना मेन मेन मंदिर भी छोड़ दिए, हमने सिर्फ प्रेम मंदिर विजिट किया और 3-4 जो मैंने पहले मंदिर बताए थे बस वो, उसके अलावा जैसे एक इस्कॉन मंदिर देखना था हमने वो तक भी नहीं देखा, इतना रश कि क्या जाए, कुछ मन ही नहीं हुआ। अभी रात की 9 बजे अभी हम होटल में आ गए कि बस अब सो जाएं और कल सुबह निकलते हैं मथुरा और आगरा के लिए। तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे था बट जैसा भी था घूम लिए, तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। और होटल की जहाँ तक ये प्री बुकिंग कर लो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बाकी इसे रश वाले टाइम में ना हो अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ठीक है, बढ़िया था। अभी आपको मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, आगरा व्लॉग में। सो चलिए अभी के लिए बाय बाय, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, बाय।